हेलो गाइस, आई एम शिव दीक्षित एंड यू आर वाचिंग टेक्नो शिव दीक्षित। आज आपको मैं बताने वाला हूँ कैसे आप अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन को लैपटॉप में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई विंडो डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको बहुत ही सिंपल मेथड बताने वाला हूँ जिससे आप बहुत ही आसानी से अपने स्मार्टफोन को पीसी में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले गाइस आपको दो ऐप डाउनलोड करनी होंगी। चले गाइस सबसे पहले प्ले स्टोर पर चलते हैं। आपको यहाँ जाके टाइप करना है सेंटियो डेस्कटॉप एंड सर्च करना है। एंड सबसे पहले आपको ये ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी सेंटियो डेस्कटॉप। तो आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे सेंटियो ऐप्स मिलती है, आपको ये भी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। इसके बाद गाइस इसको सेंटियो डेस्कटॉप ऐप को ओपन करना होगा। सो गाइस इसको कुछ परमिशन चाहिए होती है तो हमको अलाउ करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले रेड स्टार्ट करना है यहाँ पे। उसके बाद आपको ओपन सेटिंग में जाके अगर आपको यहाँ पे परमिट ड्राइंग ओवर अदर ऐप्स का ऑप्शन ऑन करना है, अगर आपका ऑफ है तो ऑन करना है यहाँ पे। उसके बाद करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है, फिर नेक्स्ट करना है, फिर नेक्स्ट करना है। ईमेल आईडी आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते, कोई यहाँ पे कंपलसरी नहीं है। सो गाइस इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली होम बटन प्रेस करना है। होम बटन प्रेस करने के बाद सेंटियो डेस्कटॉप का ऑप्शन आता है, क्लिक करना है उसको। तो आपका स्मार्टफोन सक्सेसफुली कन्वर्ट हो चुका है डेस्कटॉप में। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नोटिफिकेशन, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नोटिफिकेशन देख सकते हैं। यहाँ पे स्टार्ट बटन दिया हुआ है, यहाँ पे आप अपनी कोई भी ऐप ओपन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ब्राउजर, कैलकुलेटर, फाइल एक्सप्लोरर के बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, आप कोई भी यहाँ ओपन कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ फाइल एक्सप्लोरर ओपन करके। यहाँ पे परमिशन मांगेगा, परमिशन करने के बाद ओके करना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे ऐप ढूंढनी है, अपनी ऐप ढूंढ के परमिशन अलाउ करनी है ऐप में। जैसे सेंड यू ऐप पैक ओपन करनी है, उसमें परमिशन अलाउ करनी है। उसके बाद बैक जाना होगा, उसके बाद फिर बैक करना होगा। बैक करने के बाद फिर आपको ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद ये फिर परमिशन मांगता है, यहाँ पे ओके करना होगा। ओके करने के बाद आपको ऐप परमिशन में जाना होगा, ये स्टोरेज की परमिशन मांगेगा तो अलाउ करनी होगी स्टोरेज। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टोरेज ओपन, होम पे प्रेस करते हुए स्टोरेज ओपन हो जाती है यहाँ पे। तो आपको मैं वीडियो ओपन करके दिखाता हूँ एक। ये लैपटॉप की तरह वर्क करेगी, आप देख सकते हैं यहाँ पे लैपटॉप की तरह वीडियो वर्क कर रही है। इसके बाद आपको दिखाता हूँ मैं नेट भी चला सकते हैं। यहाँ पे नेट का भी ऑप्शन दिया हुआ है ब्राउजर ब्लू कलर का। जैसे आप ओपन करते हैं, ओपन करते ही आपका गूगल ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको मैं सर्च करके भी दिखाता हूँ। जैसे मैं YouTube लिखता हूँ, यहाँ पे YouTube सर्च करके दिखाता हूँ आप लोगों को। जैसे आप यहाँ पे YouTube लिखते हैं, आप देख सकते हैं सक्सेसफुली यहाँ पे ओपन हो चुका है YouTube। सो गाइस बहुत अच्छी ऐप है, आप जरूर ट्राई करें इस ऐप को। अगर आपको अपने स्मार्टफोन में वापस जाना है तो आपको क्या करना होगा, सिंपली नोटिफिकेशन पर टैप करना होगा। टैप करने के बाद लॉग आउट का ऑप्शन यहाँ पे मिलता है, तो आपको सिंपली लॉग आउट पे क्लिक करना होगा। इसके करने के बाद आप सक्सेसफुली अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन वापस आ सकते हैं। जैसे मैं दिखाता हूँ, ये आ चुके हैं आप अपने स्मार्टफोन में वापस।